मैं डॉक्टर दर्शन भंसाली, सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन सिम्स कैंसर हॉस्पिटल में सेवा दे रहा हूँ। आज भारत में हर साल 75 से 80 हज़ार सिर्फ मुंह के नए कैंसर डिटेक्ट होते हैं। इसका मूल कारण तंबाकू एवं गुटखा का सेवन है। उसके अलावा इसका कारण खराब दांत, इल फिटिंग डेंचर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे वायरस का इन्फेक्शन भी उसके लिए जवाबदार है। 80% कैंसर, मुंह के कैंसर आज लास्ट स्टेज में यानी कि स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं। इसका मूल कारण है कि पेशेंट हमेशा शुरुआत के तबके में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको ध्यान नहीं देते। सभी कैंसर की तरह मुंह का कैंसर भी जितना जल्दी डिटेक्ट हो और जितनी जल्दी उसकी सारवार ली जाए उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज किसी को भी अगर मुंह में 21 दिन से ज़्यादा अल्सर रहे और उसको साथ में तंबाकू की आदत भी हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के बायोप्सी द्वारा उसका निदान करवा लेना चाहिए। कैंसर के डायग्नोसिस होते ही उसकी आगे की रिपोर्ट्स जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई या ज़रूरत पड़ने पर पैट स्कैन भी करा के उसका जल्द से जल्द सारवार करानी चाहिए और ये सारवार अच्छे से अच्छे कैंसर सेंटर में करवानी चाहिए। आज ऑपरेशन में भी काफ़ी टेक्निकों में सुधार आया हुआ है, जैसे जबान के लिए काटने के बाद माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप के द्वारा जबान वापस बनाई जा सकती है, उसी प्रकार जबड़ा निकालने के बाद पांव की हड्डी को लेकर वापस जबड़ा भी बनाया जा सकता है और उसमें आर्टिफिशियल दांत भी लगाए जा सकते हैं। इसका मूल फायदा माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप करने से पेशेंट का ना तो चेहरे में कोई बदलाव आता है, ना उसको खाने में प्रॉब्लम होती है और न ही उसके आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हम सब साथ में मिलके कैंसर के सामने ये लड़ाई लड़नी है। लेट अस फाइट टुगेदर अगेंस्ट कैंसर। से नो टू टबैको, क्विट टबैको एंड नॉट लाइफ।